वेलकम टू ISCS। ISCS ऑनलाइन के इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था इंग्लिश के वोकैबुलरी क्लासेस में ईगो, और हम फिर एक नए वीडियो के साथ आते हैं, मिले हैं आपके साथ। और हमारा जो चैप्टर होगा, अगेन हम लोग काम कर रहे हैं वोकैबुलरी पे और रूट वर्ड की मदद से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो लास्ट क्लास में जो हुई थी डिस्कशन ईगो को लेके, आपने पढ़ा होगा ईगो, इगोइस्ट, इगोटिस्ट, इगोसेंट्रिक, इगोमैनियक। तो बहुत सारे फ्रेंड्स जो नहीं देखे हैं उस वीडियो को, आप लास्ट वीडियोस में जाकर देखें और आपको मिल जाएगा कि वर्ड पे हमने कैसे काम किया था। और हम इस क्लास को आगे बढ़ाते हुए, अपने वर्ड वोकैबुलरी को आगे बढ़ाते हुए, आज जो हमारा नया वीडियो होगा वो बेस्ड है, वर्ड टू बेस्ड है। हमारा जो रूट वर्ड है, हम आज जो रूट वर्ड ले रहे हैं, दैट इज वर्टो। वर्टो क्या है? एक लैटिन वर्ड है। कौन सा वर्ड है? ये लैटिन वर्ड है जिसका नॉर्मल इंग्लिश होता है टर्न, टू टर्न, टू टर्न। मैं इसको आसानी समझने के लिए आपको बताता हूं। आपने कई बार, आप चूंकि लगातार आप लोग SSC और बैंकिंग तैयारी लंबे टाइम से कर रहे होंगे, और इनफैक्ट ये वर्ड्स आपकी नजर से कई बार गुजरा होगा और आपने सुना होगा और जानते भी होंगे वो वर्ड्स कौन सा है, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बिवर्ट। आप देख रहे हैं इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बिवर्ट। ये तीनों वर्ड इनफैक्ट कहीं ना कहीं जानते होंगे आप। इंट्रोवर्ट इसे बोलते हैं तो वो व्यक्ति जो ज्यादा बोलता नहीं है, अपने थॉट्स को अपने अंदर ही रखता है। इंट्रोवर्ट जिसको हिंदी में, इनफैक्ट बहुत सारे हिंदी भाषी जो हिंदी हार्ड के बच्चे हो जानते होंगे, अंतर्मुखी प्रतिभा वाले बच्चे, इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी। एक्सट्रोवर्ट बहिर्मुखी, जो अपने थॉट्स को कॉन्स्टेंटली क्या करते हैं, दूसरों के साथ शेयर करते हैं, बाहर करते हैं। एम्बिवर्ट ऐसे व्यक्ति जो अंतर्मुखी भी होता है और बहिर्मुखी भी, कभी अपने थॉट्स को लोगों से शेयर करता है, कभी नहीं भी करता है। तो भी वर्ड, ये तीनों वर्ड बहुत ही प्रचलित है और आप जानते हैं इन तीनों को। अगर इन वर्ड्स को देखें गौर से, तो दैट इज वर्ड, वर्ड, वर्ड। इट मींस ये जो वर्ड है हमारा, जो जिसकी चर्चा हम इनफैक्ट आज कर रहे हैं, ये हमारा रूट वर्ड है। ये कौन सा वर्ड है? वर्ड हमारा क्या है? रूट वर्ड है। और आप देख रहे हैं इन वर्ड्स में इंट्रो, एक वर्ड लगाओ इंट्रो प्लस वर्ड, एक्स्ट्रो प्लस वर्ड और एमबी प्लस वर्ड। इट मींस ये इस्तेमाल हुआ यहां पे इंट्रो, एक्स्ट्रो और एमबी। ये क्या चीज है? ये सारे प्रीफिक्स हैं। ये क्या है? प्रीफिक्स है जो किसी रूट वर्ड में हम उसके पहले लगा के हम एक नया वर्ड बनाते हैं, ठीक है। तो व्हाट डज इट मीन? इंट्रो की बात करते हैं। इंट्रो का अर्थ हमारा यहां पे क्या होता है? इंट्रो का अर्थ इनवर्ड क्या होता है? इनवर्ड। अगर एक्स्ट्रो की बात करते हैं तो आउटवर्ड, और एमबी की बात करते हैं तो बोथ। सो हमारा जो रूट वर्ड है इन सारे तीनों वर्ड्स में, वो रूट वर्ड क्या है? वर्ड है जिसका अर्थ क्या होता है? टू टर्न, टू चेंज, ठीक है। और हमारा जो प्रीफिक्स है वो क्या है? इंट्रो मींस इनवर्ड, एक्स्ट्रो मींस आउटवर्ड, एमबी मींस बोथ। तो अब हम वर्ड को डिफाइन करने की बात करते हैं, आखिर मीनिंग क्या होगा। हिंदी तो हम जान रहे हैं अंतर्मुखी, लेकिन कभी कभी जो साइनो और इंट्रो की बात करते हैं तो वर्ड्स बहुत ही कॉमन आ जाते हैं। जो चार ऑप्शन होता है बहुत ही कॉमन होता है। अगर हम माइन्यूटली अगर उसके मीनिंग को नहीं जान रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आप वहां पे आंसर रॉन्ग करोगे। तो हमें समझने के लिए, अगर हम रूट वर्ड के सहारे इसको काम कर रहे हैं तो उसकी मीनिंग को जानना, अच्छी तरह से समझना होगा। तो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे इंट्रोवर्ट का। इंट्रोवर्ट का एक्चुअल मीनिंग क्या होगा? मैं कहता हूं व्हेन योर थॉट कॉन्स्टेंटली टर्न इनवर्ड। When your thought constantly turn inward,
जब आपके थॉट्स लगातार इनवर्ड टर्न हो जाए, जब आपके थॉट्स बाहर ना निकल पाए, वो इनवर्डली टर्न हो जाए, चेंज हो जाए, तो आप ऐसे व्यक्ति हैं जो कि इंट्रोवर्ट है, जो अपनी बात को सामने नहीं रख पा रहे। नेक्स्ट वर्ड एक्सट्रोवर्ट, व्हेन योर थॉट कॉन्स्टेंटली टर्न आउटवर्ड, जब आपके वो थॉट जो है लगातार बाहर आ जाए, आउटवर्ड हो जाए, अपनी बात को लोग सामने परोस देते हैं, रख देते हैं, हिचकते नहीं है, इट मीन्स क्या हुआ कि आप एक्सट्रोवर्ट हैं। जब आपका थॉट, जब आप एम्बिवर्ट हो, मीन्स एम्बिवर्ट से बोथ, मतलब क्या हुआ कि जब आपके थॉट कॉन्स्टेंटली टर्न इनवर्ड एंड आउटवर्ड, जब आपके थॉट इनवर्ड भी जा रहा है, आउटवर्ड भी जा रहा है, इट मीन्स बोथ कंडीशंस पैदा हो रहे हैं, ऐसे केस में आप क्या है, एक्सट्रोवर्ट है। तो हमने देखा, सॉरी एम्बिवर्ट है, नॉट एक्सट्रोवर्ट, एम्बिवर्ट, सॉरी, दिस इज कॉल्ड स्लिप ऑफ द टंग। So, हम आज देख रहे थे रूट वर्ड, वर्ड और वर्ड को लेके हमने कई सारे वर्ड यहाँ पे डेवलप किया, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट एंड एम्बिवर्ट। अब मैं यहाँ पे कुछ इन वर्ड के सहारे एक नए वर्ड पर जाता हूँ, इन वर्ड्स के सहारे एक नए वर्ड पर जाता हूँ। एम्बिवर्ट मीन्स बोथ, सो एम्बिवर्ट के सहारे मैं एक नया वर्ड डेवलप कर रहा हूं, और बेसिकली इन ये सारे वर्ड, ये वर्ड आपके सामने कई बार गुजरा होगा, आप याद करते होंगे और भूल जाते होंगे। सो मैं आज एक नया वर्ड लेके आ रहा हूं, एमबी डेक्सट्रस। सो एक नया वर्ड, इन वर्ड के सहारे एक नए वर्ड पे हम लेके आ गए। बेसिकली मैक्सिमम बच्चे यही जानते हैं, एमबी ड्राफ्ट मीन्स दो हत्था, दोनों हत्था। Yes, this is called हिंदी। मैं कहता हूं दोस्तों कि हिंदी, अगर सिर्फ हिंदी वर्ड याद करते हैं तो शायद आप फंसने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो यही वजह है मैं कहता हूं बार बार कि ओरिजिनल वर्ड्स को देखिए, रूट वर्ड क्या है, एक्चुअल मीनिंग क्या आ रही है। मैं कहता हूं कौन ऐसा इंसान, व्यक्ति नहीं है जो दो हत्था नहीं है, ठीक है। आप बाइक जब चलाते हो तो राइट हैंड भी यूज करते हो, लेफ्ट हैंड भी यूज करते हो, वो बताओ कि आप दोनों हाथ से काम करते हो, नहीं करते हो, दो हत्था। तो फिर इस वर्ड, हर इंसान जब बाय नेचर जब वो एम्बिडेक्सटस है, तो इसका एक्चुअल अर्थ क्या होगा, कुछ डिफरेंट हो सकता है। दो हत्था तो हर इंसान है, फिर हम इनफैक्ट एम्बिडेक्स वर्ड का इस्तेमाल हम क्यों कर रहे हैं। तो ऐसे ही किस्म देख रहे हैं कि एम्बिडेक्सटस का अर्थ है व्हेन यू आर एबल टू यूज बोथ द हैंड्स विद इक्वल स्किल। वेरी गुड, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन यू आर एबल टू यूज बोथ द हैंड्स विद इक्वल स्किल्स, व्हेन somebody इज एबल टू यूज बोथ हिज और हर हैंड्स with equal skills, it means that very person is ambidextrous. वो इंसान क्या है, ambidextrous है। मैं आप नहीं हूं, क्या आप सेम स्किल के साथ जो राइट हैंड से लिखते हो, क्या आप लेफ्ट हैंड से लिख सकते हो, नहीं ना। इट मीन्स यू आर नॉट ambidextrous। कौन था ambidextrous? आपको याद होगा, आपने एक मूवी देखी थी थ्री इडियट्स, याद होगा, वायरस, द डीन ऑफ द कॉलेज वायरस। Yes, आपने देखा होगा वो दोनों हाथ से एट ए टाइम लिख रहे होते हैं दो अलग अलग लेटर्स। That very person is ambidextrous। अब देखते हैं, मैं यहाँ पे इस वर्ड को हम लोगों ने यूज किया, याद कर लिया, ambidextrous जो है इंसान दो हाथ था, जो इंसान दोनों हाथ को इक्वली जो है यूज करे, ambidextrous है वो। ये वर्ड आया कहां से, आपने देखा एमबी बोथ dexterous, it means जो दोनों हाथ से कुशल हो, दोनों हाथ से क्या हो, कुशल हो। So एक नया वर्ड सामने आके आया यहां पे, see dexterous, dexterous। देखिए आप ना स्पेलिंग मिस्टेक भी देख सकते हैं, कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं मिसस्पेल्ड वर्ड में, एम्बिडेक्सट्रस में टी आर ओ यू एस है, एक क्वेश्चन यहां भी सॉल्व हो रहा है आपका,
और डेक्सटेरस में टीई आर ओ यूएस है, तो ध्यान रखना है कि एम्बिडेक्सटरस में टी आर ओ यूएस है और जबकि डेक्सटेरस में टीई आर ओ यूएस है। वन वर्ड आपको एक क्वेश्चन यहां भी मिल जाएगा, एक नंबर आपको यहां भी मिलेगा अगर आप ध्यान रखें वर्ड्स का। तो सो आखिर कैसे डेक्सटरस, जहां दोनों हाथ की बात कर रहे थे वहां पे स्किल्स की बात कर रहे हैं हम। डेक्सटरस मीन्स स्किलफुल, स्किलफुल जिसे हिंदी में कहते हैं कुशल। डेक्सटरस ये चीजें, ये विचार, ये मीनिंग कहां से आया, बेसिकली समझने की जरूरत है यहां पे कि आप रटो मत चीजों को, समझो ये वर्ड की मीनिंग। डेक्सटरस अर्थ यहां पे कुशल कैसे हुआ, चलिए इस पर चर्चा करते हैं हम लोग। चूंकि बात हो रही है रूट वर्ड्स की, हमें रूट पे जाना पड़ेगा। रूट को अगर नहीं समझते हो तो फिर रटने रटाने वाली बात हो जाएगी। जब रटने रटाने वाली बात होगी तो भूलने और भुलाने वाली भी बात होगी, होगी या ना होगी। यस, सो अब आते हैं इस वर्ड को, मैं यहां पे कॉपी करता हूं। डेक्सटेरस मीन्स स्किलफुल। अब देखें ये वर्ड आया कहां से। अब देखें ओ यू एस, मैं बार बार हर रूट वर्ड को लेकर चल रहा हूं, साथ में उसके सफिक्स और प्रीफिक्स को लेकर चल रहा हूं। ओ यू एस, अगर यहां पे ओ यू एस है, इस मीन्स दिस इज एन सफिक्स, दिस इज अ सफिक्स, और ये सफिक्स इसको फॉलो करता है, ये एडजेक्टिव को शो करता है। मीन्स वो सारे वर्ड्स जो ओ यू एस लेके आए, इट मीन्स वो वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है। एग्जाम्पल देता हूं तो समझ आएगी, क्लैमरस, विगोरस, फेमस, सारे वर्ड में क्या लगा हुआ है, ओ यूएस लगा हुआ है। फेमस, फेमस एफ ए एम ओ यू एस, फेम, फेम नाउन है, उससे बना है फेमस। ओ यू एस एडजेक्टिव है। क्लैमरस, क्लैमर से बना है। तो यहां देखते हैं ओ यू एस एडजेक्टिव है, इसका मतलब है कि इसका जो रूट वर्ड है डेक्स्टर, डेक्स्टर एक लैटिन वर्ड है। डेक्स्टर क्या है, एक लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड मीन्स राइट हैंड, मीन्स राइट हैंड। यस, डेक्स्टरस मीन राइट हैंड। तो एक विचारधारा थी अपने पहले के एंशिएंट टाइम में कि जो लोग, इवन ये विचारधारा एंशिएंट टाइम का ही नहीं है बल्कि आज भी लोग यही कहते हैं, राइट हैंड से काम करने वाले लोग ज्यादा स्किलफुल होते हैं। राइट हैंड से काम करने वाले लोग ज्यादा स्किलफुल होते हैं, ये पुराने जमाने से विचारधारा चली आ रही है। तो डेक्स्टर मीन्स राइट हैंड, तो डेक्स्टर से एक नया वर्ड बन के आया है डेक्स्टरस, दैट इज राइट हैंड से ज्यादा काम करने वाले लोग होते हैं, वो क्या होते हैं, स्किलफुल होते हैं। ये उसका मेन विचारधारा थी, बेसिकली इसी की वजह से ये क्या हो गया, ये इनफैक्ट इसकी मीनिंग स्किलफुल हो गया। अब चलते हैं, ये तो एडजेक्टिव है, ये क्या हो गया, नाउन है। एक नाउन और बन के सामने आता है डेक्स्टेरिटी, ये भी क्या है, नाउन है। जब कभी भी आप देखें गौर से यहां पे, आई टी वाई, आई टी वाई, जब कभी भी ये किसी वर्ड में लग जाए एज ए सफिक्स, तो इनफैक्ट वो नाउन नेचर में आ जाता है। आपने देखा कि हम पढ़ते आ रहे हैं एमबी वर्ड से, हमने एमबी डेक्स्टरस पढ़ा, डेक्स्टरस से हम डेक्स्टर पे आ गए, और डेक्स्टरस से डेक्स्टर, और डेक्स्टर से हम कहां पे आ गए, डेक्स्टरिटी पे। ये वर्ड इनफैक्ट कैसे कैसे जुड़ा हुआ है। सो ये बात थी हमारी कुशल की, बात करते हैं। जस्ट हम इसके अपोजिट आते हैं, जस्ट हम इसके अपोजिट आते हैं तो क्या मतलब होगा। आप देख रहे हैं यहां पे डेक्स्टरस कुशल, जब हम अपोजिट आते हैं, अपोजिट की बात कर रहे हैं, वर्ड हमारे सामने आता है सिनिस्टर,
sinister actually. Again, this is Latin word. ठीक है, जिसका अर्थ निकल के आता है लेफ्ट हैंड. ये विचारधारा, फिर से बात कर रहा हूं, जब वो वर्ड फॉर्मेशन हुआ होगा पहली बार बहुत ओल्ड एज में हुआ था, जो उस जमाने में जो लोगों का विचार था कि लेफ्ट हैंड से जो काम करने वाले लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं कुशल नहीं होते हैं. ठीक है, कुशल नहीं होते हैं तो क्या होते हैं? बेसिकली आज का जो एक कंसेप्ट है, जो नोशन है, बाएं हाथ से कोई काम करता है तो चाहे उसको अशुभ माना जाता है. हर पवित्र काम हम राइट हैंड से करते हैं इन जनरल. बाएं हाथ से अगर हम कोई काम करते हैं तो लोग क्या कहेगा? बेढंगा. क्या कहेगा? बेढंगा. इट मींस सिनिस्टर का हम एक और नया साइन हम डेवलप करते हैं, क्लम्सी या ऑकवर्ड. ओके, क्लम्सी और ऑकवर्ड, क्योंकि बाएं हाथ से काम करने में कहीं ना कहीं वो मजा नहीं आता है, बेढंगापन आ जाता है. बाएं हाथ से अगर किसी को आप एक ग्लास पानी देते हैं या फिर आप एक बिस्किट की ट्रे ला के देते हैं, नाश्ता ब्रेकफास्ट ला के देते हैं, तो लोग कहता है आप राइट हैंड से काम करो, लेफ्ट हैंड से काम मत करो, ये अच्छी बात नहीं है. ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक वर्ड इसका जो है एक वर्ड आता है, बाएं हाथ से जब काम करोगे वो जब वो कुशलतापन वो डेक्सटरिटी नहीं आएगी तो एक नया वर्ड एक साइन और सामने आ जाता है, चैलेंजिंग. ठीक है, तो ये आपने वर्ड देखा, डेक्सटरस का अपोजिट है डेक्सटर, जो वर्ड बना है वो राइट हैंड से सिनिस्टर क्या है, लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड इट मींस लेफ्ट हैंड से काम करने वाले क्या करते हैं, क्लम्सी ऑकवर्ड या चैलेंजिंग. इसके साथ एग्जाम में हम जब बात करते हैं बैंकिंग हो या एसएससी हो, कुछ नए वर्ड्स और सामने आते हैं. जिस तरह से हम डेक्सटरस जो वर्ड बना है हमारा डेक्सटर से, तो इस डेक्सटरस मींस स्किलफुल, इसका एक अपोजिट होता है क्या, एक वर्ड है मैं लेता हूं डराइट, डी आर ओ आई टी, जो कि एक फ्रेंच वर्ड है. कौन सा वर्ड है ये? हमारा वर्ड जो है ये फ्रेंच है. ठीक है, जब हम क्या करते हैं उस ड्राइव में हम ए पे लगाते हैं, ऐड करते हैं, दैट इज कॉल्ड ए ड्राइव. इसका भी अर्थ ये इंग्लिश वर्ड है. ये कौन सा वर्ड है? इंग्लिश वर्ड है जो कि डेक्सटरस का साइनो है. क्या है? साइनो है. वो क्या हो गया? स्किलफुल. ठीक है, आप देख रहे हैं डेक्सटरस का साइनो क्या हो गया? एड्राइट. और ये एक एडजेक्टिव है, इसी से हम क्या बनाते हैं, एक नाउन बनाते हैं, एड्राइटनेस. एड्राइटनेस जो अगेन क्या बन जाता है? नाउन बनता है. तो आपने देखा इस वीडियो में कि हम कैसे एक रूट वर्ड को लेके, हमने शुरू किया था इस वीडियो को एक वर्ड वर्टो को लेके, क्या समझ लेके, वर्टो वी आर टी ओ, जिसका अर्थ होता है टर्न. वर्टो से हमने कैसे बनाया इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एमबी वर्ड, फिर हमने एमबी वर्ड को रूट मान के, बेसिकली उसको आधार मान के हमने एमबी जो है एमबी वर्ड से एमबी डेक्सटर बनाया. फिर एमबी डेक्सटर से हमने देखा कि एमबी डेक्सटर वर्ड में डेक्सटर वर्ड कहां से आया, डेक्सटर, डेक्सटरस, डेक्सटरिटी. फिर डेक्सटर से एक नई चीज सामने आ गई, ड्राइट, और ड्राइट से फिर क्या हो गया, एड्राइट हो गया. तो अगर एक वर्ड को लेके चलते हैं और इसका रूट को अगर हम जानना शुरू करते हैं, तो ऐसे केस में ये देखा गया है कि आपकी मीनिंग, प्रॉपर मीनिंग आपको समझ में आएगी क्या कहना चाह रहा है. और इनफैक्ट सबसे अच्छी बात यह है कि भूलने वाली जो बात होगी वो आप में नहीं होगी. और एटलीस्ट जब तक एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर लेते हो, मुद्दे की बात मैं करता हूँ, जब तक एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर लेते हो, बेहतर है कि भूलने की बीमारी को आप दूर रखें, बेहतर है. एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद थोड़ी सी अगर कमी भी आती है नॉलेज में, चलो ठीक है, कोई इशू नहीं है, लेकिन एग्जाम तक क्वालिफाई करने तक, अपॉइंटमेंट लेटर मिलने तक तो आपको अप टू डेट रखना पड़ेगा. और वोकैबुलरी की बात जहाँ तक है वो प्रैक्टिस से होगी, रूट वर्ड जानने से होगी, याद करेंगे तो भूलेंगे. ठीक है, तो आज का जो वीडियो था हम रखते हैं यहीं पे, फिर हम अगली वीडियो में आते हैं नेक्स्ट किसी वर्ड को लेके, लैटिन वर्ड या ग्रीक वर्ड या फ्रेंच वर्ड को लेके आते हैं, जो जिसके रूट को लेके हम आगे बढ़ेंगे. और एक वर्ड से फिर एक रूट वर्ड से हम मल्टीपल वर्ड्स का हम क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे. तब तक के लिए हम लेते हैं विदा. और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अगर मेरे लिए फ्रूटफुल है तो हमारे इस वीडियो के जो लिंक हैं उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जरूर जो है बेल आइकन दबाना ना भूलें,
क्योंकि आपको इस तरह के सिमिलर वीडियोस मिलते रहेंगे, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय, थैंक यू।